पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत आती है। बता दें कि मासिक आय योजना में एक मुश्त रकम जमा करने पर हर महीने ब्याज की कमाई होती है। वहीं जिनकी आमदनी रेगुलर नहीं है उनके लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद है। संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खोलने की तिथि से 5 साल की समाप्ति पर अकाउंट बंद किया जा सकता है। वहीं अगर परिपक्वता से पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद हो सकता है और नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि वापस कर दी जाती है। ब्याज का भुगतान पूर्ववर्ती महीने तक किया जाएगा। अकाउंट न्यूनतम 1000 रुपए की राशि और उसके बाद 100 रुपए से खोला जा सकता है। इस स्कीम के तहत 6.5% का ब्याज मिल रहा है। इंडियन पोस्ट वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में अधिकतम 4,50,000 एकल खाते में और 9,00,000 रुपए संयुक्त खाते में जमा किए जा सकते हैं। संयुक्त खाते में सभी संयुक्त धारकों के निवेश में समान हिस्सेदारी होगी। किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी MIS खातों में जमा या शेयर 5,50,000 रुपए से अधिक नहीं होंगे। नाबालिग की ओर से खोले गए खाते की सीमा अभिभावक के हिस्से से अलग होगी। निवेशक को ब्याज खाता खोलने की तिथि से 1 माह के पूरा होने पर परिपक्वता तक देय होगा। यदि खाता धारक द्वारा हर माह देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो इस तरह का ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा। जमाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में अतिरिक्त जमा राशि वापस कर दी जाएगी और केवल डाकघर बचत खाता ब्याज खाता खोलने की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा। ब्याज संबंधित डाकघर या ECS में उपलब्ध बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। MIS खाते के CBS डाकघर में है होने की अवस्था में मासिक ब्याज को किसी भी CBS डाकघर में खोले गए बचत खाते में जमा किया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जमाकर्ता को मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। अगर कोई निवेशक समय से पहले अकाउंट को बंद कर देता है तो जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि वापस नहीं मिलेगी। यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद और 3 साल से पहले खाता बंद किया जाता है तो मूल धन में से 2% के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद और 5 साल से पहले खाता बंद हो जाता है तो मूल धन में से 1% के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। सावधि खाते को संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत अगर कोई निवेशक 1,00,000 रुपए का निवेश करता है तो उसे 1 साल में 6,600 रुपए यानी हर महीने 550 रुपए मिलेंगे। अगले 5 साल तक ये रकम निवेशक को हर महीने मिलती रहेगी। वहीं 2,00,000 रुपए का निवेश करने पर 1,100 रुपए महीना मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस से जुड़ी किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।